पूर्व कांग्रेसी पार्षद पर अवैध वसूली व अतिक्रमण कर भवन निर्माण कर चोरी की बिजली इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए आपने अतिक्रमण भवन से विजिलेंस विभाग द्वारा कनेक्शन की जांच करवाई, जिसके बाद विभाग ने कनेक्शन काट कर इसका पंचनामा बनाया। विगत दिनों कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रकाश गीते द्वारा वार्ड वासियों से अवैध वसूली किए जाने को लेकर आप सदस्यों ने शहर विधायक अरुण वोरा से उनके निवास पहुंचकर उनकी शिकायत की थी। उसी कड़ी में आपके सदस्यों ने बताया कि दुर्ग कसारीडी वार्ड 42 स्थित नाले के किनारे वार्ड के रहवासियों को आंगनबाड़ी भवन का निर्माण के बहाने अतिक्रमण कर भवन का निर्माण किया गया है। उसके बाद उसे किराए पर चढ़ाया और बिजली बोर्ड से अपने भवन में कनेक्शन ले लिया। इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी के डॉक्टर एसके अग्रवाल ने कहा कि सबसे पहले पद्मनापुर जनता मार्केट में सीएसईबी ऑफिस जाकर उन्हें शिकायत की। उसके बाद विजिलेंस विभाग को बुलाया गया, जहां मौके पर पहुंच विभाग के द्वारा पोल से लगे कनेक्शन को काट कर पंचनामा बनाया गया। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी की जानकारी में आया कि वार्ड 42 कसारेडी की पार्षद पुत्र पूर्व पार्षद प्रकाश गीति के द्वारा वार्ड में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कहकर एक भवन का निर्माण करवाया ताकि वहाँ की जनता विरोध न कर सके, और उस भवन के निर्माण होने के बाद उसको किराए पे चढ़ा दिया। किराए पे चढ़ाने के लिए जो वहाँ पे रहेंगे आगे उनके लिए बिजली अति आवश्यक थी, तो वहाँ पे पोल से डायरेक्ट कनेक्शन अपने घर में उन्होंने बिजली चोरी की। इस विषय को लेकर के हम लोग कल सुबह 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक बिजली विभाग के हर अधिकारी से निवेदन किए कि इसको आकर के जांच कीजिए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने AJEE किसी ने भी सहयोग नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने विजिलेंस को शिकायत की, तो शाम को 4 बजे जब विजिलेंस आए तब AJEE गुप्ता जी और आकर के उन्होंने बिजली कनेक्शन काटा। इसका अर्थ ये है कि बिजली विभाग पद्मनापुर जोन भी और प्रकाश गीते की इस बिजली चोरी में शामिल है, ये जांच का विषय है। लेकिन प्रकाश गीते से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की कि वो आकर के अपना स्पष्ट करें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। एक पत्रकार ने भी बात की, उनका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर के कांग्रेस के पार्षद प्रकाश गीते के द्वारा यहाँ पर के इल्लीगल निर्माण करके किराए पे चढ़ा करके बिजली चोरी की गई, कि उसको हम लोगों ने कल आवेदन दे कर करके विजिलेंस को बिजली कटवाया। आम आदमी पार्टी इस विषय को लेकर के आगे और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी करेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज नजर आ रही है, जिसे देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्य भी जनता के बीच पहुंचकर जनता की शिकायतों को सुनकर उनका निवारण करने में लगे हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।